अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़कीर ज़ुल्फ़िकार अली है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा सिंध से है। और सूबा सिंध के बदीन और मिट्टी थर पार कर का जहाँ संगम होता है वहाँ हमारा गांव है। हमारे वालिद उस्ताद मीर मोहम्मद लुंड के नाम से हमारे गांव का नाम है केटी मीर मोहम्मद लुंड, और ये तहसील कल्लोई और डिस्ट्रिक्ट मिट्टी थर पार कर से है। तो मैं ये सिंध के बहुत पुराने साल बजाता हूँ, मेरे वालिद ने मुझे सिखाया है। मेरे वालिद बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और सदारती अवार्ड याफ्ता थे, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको हुसन कारकर्द किया जो अवार्ड है वो भी मिला हुआ था। और मेरे दादा थे जो अलादीनो फ़कीर, वो भी यही साज बजाते थे। तो ये एक सिंध का हमारा साज है, इसको सिंधी में हम नड़ कहते हैं। ये बांसुरी टाइप पे है, कंप्लीट एक बांसुरी है और इसमें तीन सुर से मैं सातों सुर बजाता हूँ और तीनों साल एक वक्त भी बजाता हूँ। ये धम्बूरी है हमारे सिंध की, और ये घिंघरू हैं, और ये नड़ है। ये इस पर भी धुन में बजा सकता हूँ, आपको बजा के थोड़ा दिखा लेता हूँ। यानी इस टाइप पे हम कोई भी इस पे धुन बजा सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो ये साज है ये है मिट्टी का मोहनजोदड़ो का, एक बहुत पुराना मोहनजोदड़ो से हमें मिलता है, मिट्टी का बना हुआ साज है, इसको हम सिंधी में भोड़ीलो कहते हैं। इसके दो या तीन सुर थे जो मेरे वालिद ने भी उस पे बजाया, एक हाथ से ये बजाया दूसरी हाथ से तंबूरी बजाई, ये भी मैं बजा सकता हूँ और बजा के आपको दिखाऊँगा। और उसके बाद इसके सुर बहुत कम थे तो अभी इसमें मैंने सातों सुर किए हुए, और इसके बजाने का तरीका ये है। इसके बाद ये एक चंग है हमारा, ये भी सिंध का साल है पुराना, ये इस तरह बजता है, ये भी मैं थोड़ा बहुत बजाता हूँ। और इसके बगैर जो है वो ये धम्बूरी बुनियादी रिदम पे बजती है, एक रिदम का साल है। इस पे भी बोल जो है हम बजा सकते हैं, इसके ये इसके नोट हैं, ये सुर हैं इसके, इस पे हम बाकायदे बोल जो है वो भी बजा सकते हैं। और इसके अलावा मैं गाता भी हूँ शाह हज़रती भिटाई को, या सूफियाना जो कलाम है वो बर ज़बानी गाता भी हूँ इसी दम्बूरी पे। काफ़ी जो है हमारी लोक जो धुने हैं वो मैं गाता हूँ, ख़ासतौर पर सिंध की जो पुरानी धुने हैं वो। मेरा काम ही यही है ये जो पुराने साज हैं इनको बजाना, और मेरी कोशिश यही है जो साज ख़त्म हो रहे हैं उनको बचाऊं, नहीं तो नई साज अभी नवे साज इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरे जो आए हैं, लेकिन मैं इसको तरजीह देता हूं, इन्हीं साजों को मैं बजाता हूं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी।